हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। मैं आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के अपने इस वीडियो में मैं नासिर जिलानी आप लोगों को बकरी पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, यानी कि गोट फार्मिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोट फार्मिंग ग्रामीण लेवल पर या आप एक दो बकरी रखना चाहते हैं उस लेवल पर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं बकरी पालन को लेकर 6 बिंदुओं पर बात करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बकरी पालन क्यों करें। दूसरा पॉइंट जो हमारा है बकरी पालन के लाभ, यानी इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। तीसरा बिंदु पर जो हम प्रकाश डालने वाले हैं वो है बकरी की अच्छी नस्लें। जैसा कि आपको पता है बकरी पालन के लिए अच्छी नस्लों का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि अच्छी नस्लों का चुनाव नहीं करते तो हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता। फिर आगे हम देखते हैं चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है बकरियों के लिए रहने की व्यवस्था, जिसे आप शेड कहते हैं या बाड़ा कहते हैं। बाड़े की व्यवस्था कैसे की जाए, बाड़े का निर्माण कैसे किया जाए, इन सब के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करेंगे। जो पांचवा पॉइंट है हमारा वो सबसे महत्वपूर्ण है, बकरियों के लिए भोजन और पोषण। जो छठवां पॉइंट है हमारा वो है बकरी पालन से आमदनी। कोई भी बिजनेस आप करते हो, कोई भी व्यापार करते हो, कोई भी काम करते हो, वो सब के सब प्रॉफिट के लिए ही होता है। यदि आपको उसमें सही प्रॉफिट ना मिले तो फिर हर बिजनेस हर काम बेकार होता है। तो फिर हम चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की तरफ। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हम बकरी पालन क्यों करें। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट आउट करके रखा है। बकरी पालन इसलिए किया जाए क्योंकि ये कम पूंजी में शुरू होता है। यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं उसके लिए आप भैंस लाएंगे तो अगर कम से कम में अगर कुछ अच्छी नस्ल की भैंस लेना चाहते हैं तो 40 से 50 हज़ार की एक भैंस से पड़ेंगी आपको, और उसके लिए फिर खाने की अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसके रहने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होगी। और दो भैंस से तीन भैंस से आप डेयरी फार्मिंग नहीं शुरू कर सकते। इसलिए आपके पास एक अच्छा विकल्प होता है बकरी पालन का, जिसमें एक भैंस की कीमत में आपके पास लगभग 4 से 5 बकरियाँ आ जाती हैं। दूसरा पॉइंट है इसके लिए अन्य चीज़ों की अपेक्षा, जैसे गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, इनके अपेक्षा कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा पॉइंट होता है इनकी देखभाल बहुत आसानी से हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होती, नॉर्मल इनकी देखभाल घर का कोई व्यक्ति कर सकता है। चौथा पॉइंट जो इसमें मैंने ऐड किया है वो है कम समय में अधिक संख्या। जो बकरी होती है ये कम समय में, यानी कि जो अच्छी नस्ल की बकरी होती है वो एक साल में लगभग 2 बार बच्चे देती है, जिसके वजह से आपके बाड़े पर आपके गोट फार्म के ऊपर बहुत तेज से बकरियों की जनसंख्या इंक्रीज होती है। इसके अलावा होता है बची हुई चीज़ों का उपयोग। जैसे आप लोग घर में एक दो बकरी पालन कर रहे हो तो आपके घर में जो चीज़ें बच रही हैं खाने पीने की, रोटियाँ वगैरह, उसका सही उपयोग हो जाता है, आप बकरी को दे सकते हो, और जिससे कि वो कूड़ेदान में नहीं जाता, इसकी भी बचत हो जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा पास बकरी पालन के लाभ। बकरी पालन के लाभ क्या हैं? नंबर एक, हमें इससे मांस मिलता है, इससे हमें दूध मिलता है, इससे हमें ऊन मिलता है, और इसके अलावा जो इसके अपशिष्ट होते हैं जैसे इनकी मेंगनी या जिसे हम लोग लेड़ी कहते हैं, जिससे हमें खाद भी मिलता है। इनकी मेंगनी से बनने वाला खाद बहुत ही उर्वर होता है, आपकी खेती के लिए, आपके पौधे के लिए बहुत अधिक उर्वरता प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बकरी की अच्छी नस्लें। बकरी पालन के लिए सबसे मुख्य चीज़ें जो है वो आपको ये ध्यान में रखनी होती है कि आप किस नस्ल की बकरी का पालन कर रहे हैं। बकरी की जो नस्लें होती हैं ये भी आपके फार्मिंग पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। अगर आप अच्छी नस्ल का पालन कर रहे हैं तो आपको अधिक प्रॉफिट होगा आपका, लेकिन अगर आप नस्ल का अच्छा चुनाव नहीं करते तो उसके साथ आप खर्चे करते हो, उसके पीछे पैसे लगाते हो, अपना टाइम लगाते हो, लेकिन उनसे वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग नस्लें होती हैं। जैसे आप अगर मांस के लिए पालन कर रहे हो तो उसके लिए अलग नस्लें होती हैं, दूध के लिए पालन कर रहे हो तो उसके लिए अलग नस्लें होती हैं, अगर दूध और मांस दोनों के लिए पालन कर रहे हो तो उसके लिए अलग नस्लें होती हैं। इसी टॉपिक पर मैंने
कुछ अच्छी नस्लों का लिस्ट आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहला है जमुनापारी। यदि आप बकरी पालन दूध के लिए करना चाहते हैं तो इसमें जो सबसे बेस्ट बकरी की नस्ल आपके लिए होने वाली है वो है जमुनापारी। जमुनापारी दूध के लिए पाली जाने वाली बहुत ही अच्छी बकरी की नस्ल मानी जाती है। दूसरा आता है, यदि आप मांस के लिए पालन करना चाहते हैं, मीट उत्पादन के लिए आप लोग फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास है सोजत। सोजत एक बहुत ही अच्छी बकरी की नस्ल होती है, जिसमें जिसको मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। तीसरी आती है हमारी बीटल, इसको हम लोग बंगाल बीटल के नाम से भी जानते हैं। ये रंग में काली होती है और इसको दूध और मांस के दोनों के उद्देश्य के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट जो नस्ल है हमारी वो है सिरोही। सिरोही भी बकरी की एक अच्छी नस्ल मानी जाती है। ये डुअल पर्पज ब्रीड मानी जाती है। डुअल पर्पज यानी दो उद्देश्य नस्लें मानी जाती हैं, यानी कि दूध और मांस दोनों की पूर्ति करती हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्बरी। बर्बरी जो है ये आकार में छोटी होती है, देखने में सुंदर होती है। अगर जो लोग फार्मिंग नहीं करना चाहते, अपने घर पे दो तीन बकरी या एक सिंगल बकरी पालना चाहते हैं, उनके लिए बर्बरी सबसे बेस्ट होती है। बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव की, छोटी और देखने में सुंदर होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बकरियों के रहने की व्यवस्था, यानी कि शेड या बाड़ा। शेड और बाड़े की व्यवस्था कैसे की जाए, तो देखिए बकरियों के पालन में जो लोग बड़े लेवल पर फार्मिंग करना चाहते हैं, उनके लिए शेड बनाना बहुत आवश्यक होता है, बाड़ा बनाना बहुत आवश्यक होता है। जिसको बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उन बातों को मैं आपके सामने बता देता हूँ। उन बातों में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है मौसम के अनुकूल। यानी ये है कि आपका जो बाड़ा है, आपकी जो शेड है, वो मौसम के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब ठंडी में उसमें ठंड ना लगे बकरियों को, और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। यानी हमें बाड़े के डिजाइन, शेड की डिजाइन ऐसी करनी है कि ठंडी से भी बकरी को बचाए और जब गर्मी का सीजन आए तो गर्मी से भी बकरी को बचाए। दूसरा पॉइंट है हमारा, उसमें साफ सफाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए। रेगुलर साफ सफाई से हमारी बकरियां बीमार होने से बच जाती हैं, हमारी बकरियों को रोग नहीं लगते, उनमें बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारी बकरियों को पर्याप्त जगह होनी चाहिए, जिसमें वो टहल सकें, चल सकें, उठ सकें, बैठ सकें, थोड़ा बहुत दौड़ भाग बच्चे कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा, उसमें खाने पीने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, एक बाड़ा है जहाँ पर खाने पीने सबकी व्यवस्था अच्छी है और उसमें बकरियाँ टहल भी सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए फ्रेंड, हमने अच्छी नस्ल का चुनाव कर लिया, अच्छा बाड़ा बना लिया जो मौसम के अनुकूल है, साफ सफाई है, उसमें पर्याप्त जगह है, खाने पीने की व्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि बकरियों को खिलाएंगे क्या, तो इनके लिए संतुलित आहार। संतुलित आहार में ऐसा आहार जिससे उनके सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो। जैसे इसके लिए आप हरी घास, सूखा चारा, अनाज के दाने, मिनरल, हरी पत्तियां और ताज़ा पानी, ये बिल्कुल संतुलित आहार है बकरियों के लिए। उन्हें हरी घास भी उपलब्ध करानी चाहिए, सूखा चारा यानी भूसा वगैरह, अनाज के दाने जैसे मक्के के दाने हो गए, चने के दाने हो गए, गेहूं के दाने हो गए, जौ हो गई, इन सब चीज़ों को आप दे सकते हैं। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं संतुलित आहार, बकरियों के लिए संतुलित आहार के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक बकरी को कितनी हरी घास देना चाहिए, कितना सूखा चारा देना चाहिए, अनाज के दाने कितने देने चाहिए, कौन से मिनरल देने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट वीडियो में बता दूंगा। अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इतने पर ही यहाँ पर मैं आपको बस करता हूँ। नेक्स्ट आता है बकरियों की देखभाल। बकरियों की देखभाल, स्वास्थ्य और देखभाल। बकरियों में बहुत से रोग होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे खुरपका, मुँहपका और उनकी ब्लॉटिंग, ब्लॉट जो हो जाता है, उनमें आफारा आ जाता है, उनके पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है। इसके अलावा बहुत सी घातक बीमारियां होती हैं, जैसे PPR वगैरह हो गई।
ये सारी बीमारी PPR हो गई, इंट्रोटॉक्सिमिया हो गई, ये सारी बीमारी ऐसी हैं जिनका इलाज संभव नहीं होता, तो इनका इलाज कराया जाता है टीकों के माध्यम से। यानी समय समय पर अपनी बकरियों को टीका लगवाना चाहिए। आपके आसपास जो सरकारी गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल है, जानवरों के अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों से संपर्क में रहना चाहिए, समय समय पर टीका लगवाना चाहिए, और इसके अलावा रोग के कोई भी लक्षण दिखने पर तुरंत ही हमें एक्शन लेना चाहिए, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बकरी पालन से प्रॉफिट की, बकरी पालन से अर्निंग की, बकरी पालन से लाभ की। तो इसमें सबसे पहले जो डायरेक्ट इनका उत्पाद होता है वो तीन चीज़ें होती हैं, मांस, दूध और ऊन। मांस, दूध और ऊन आप लोग डायरेक्टली सेल कर सकते हो, या किसी मांस, ऊन और दूध सेल करने वालों को आप डायरेक्ट बेच सकते हो। दूसरा आता है अपशिष्ट, जैसे उनके द्वारा बाड़े की साफ सफाई से जो अपशिष्ट निकलता है, जिसमें उनकी मैंगनी वगैरह होती है, उससे एक अच्छी उर्वर खाद बनाई जा सकती है, इसको आप ले जा कर के अपने खेत वगैरह में डाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हम बकरी के बच्चों को भी बेच सकते हैं, बकरी के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो 1, 2, 3 बकरी पालते हैं, या दूसरे कोई फार्म डालना चाहता है, फार्म वाले बकरियां तलाशते हैं, तो हम उन्हें बकरी और बकरे दोनों बच्चे उन्हें बेच सकते हैं। नेक्स्ट आता है खसी बकरे। जैसा कि आप सब जानते हो, बकरीद के त्यौहार पर मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बहुत अधिक बकरों का प्रयोग किया जाता है, वो कुर्बानी के लिए बकरों का यूज करते हैं। इसके लिए आप लोग खसी बकरों को साल भर रख कर के बकरीद के टाइम पर अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।